हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव विद अस में। आज मैं कस्टर्ड एप्पल शेक बनाऊंगी। इसके लिए हम 2 कस्टर्ड एप्पल लेंगे। अब हम इनके छिलके को और पल्प और सीड्स को अलग कर लेंगे। पल्प और सीड्स को एक बाउल में स्टोर करेंगे। ये देखिए, हमने एक कस्टर्ड एप्पल के पल्प को अलग कर लिया है। अब हम इसके पल्प को सीड से अलग करेंगे और ये काफ़ी समय लेगा, पर हमें तब तक इसको करते रहना है जब तक इसके सीड पल्प से अलग ना हो जाए। ये देखिए, हो गया है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सीड्स के साथ पल्प को ग्राइंड करके उसके बाद भी अलग कर सकते हैं। हमने पल्प को अलग कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप दूध, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 कप वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम, वो ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करते समय भी आप इसमें आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं और ऊपर से पिस्ता से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल शेक रेडी फ्रेंड्स।